आपका क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन मेथड और एल्गोरिथम. क्या दिया है? 70 और 30. ठीक है. नाउ तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम या यू कैन से फैक्टर थ्योरम क्या होता है? वी विल राइट दैट. आपका होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है. नाउ ए आपका कौन सा है? दोनों में से जो बड़ा है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी एंड आर इज स्मॉलर देन बी. ठीक है, हो गया. नाउ तो अब आपको कैसे करना है इसको? जो हमारा नॉर्मल मेथड है उसी से हम इसको डिराइव करेंगे. तो नॉर्मल मेथड हमारा कैसे होता है ना? तो यहां पर हम लिखते हैं 30 और यहां लिखते हैं 70. तो 30 टू जा 60 और आपका क्या बचा? 1 0 10. नाउ अब आपको 10 से डिवाइड करना है किसको? जो हमारा पहले डिवाइजर था. ठीक है, यानी कि दिस वन. तो हमारा यहां पर क्या हो गया? 3 0 30. ठीक है, तो 10 3 30. ठीक है. नाउ अब आप देखोगे कि यहां पर हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया. तो जिससे हमने डिवाइड किया, दैट इज डिवाइजर, दैट इज अवर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो ये जो हमने किया है इसको अब हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इसके अंदर लिखेंगे. तो हमारा कैसे आएगा? a इज 70 इज इक्वल टू बी इज 30 इंटू क्यू इज क्वेश्चंट, क्वेश्चंट इज 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 10. सिर्फ आपने फर्स्ट लाइन को लिया, अब हम लेंगे सेकेंड लाइन वाला. तो आपका क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0. यहां पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया. तो जिससे हमने डिवाइड किया, दैट इज डिवाइजर, यानी कि डी, दैट इज योर HCF. तो आपका HCF क्या आ गया? 10. यहां पर क्या है? 10. ठीक है.